पिछले 3 वीडियोस में मेरे लेखक दोस्तों ने कुछ वेबसाइट देखी जहां पर आप अपने लिखने की काबिलियत से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, और आपने देखी 3 ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स, ब्लॉगिंग, ईबुक्स और फेसबुक पेज क्रिएशन एंड सेलिंग। आज के वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जानेंगे कुछ ट्रिक्स जिनसे कि आप अपने राइटिंग के स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं और कैसे आप कम समय में ज्यादा मात्रा में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल TodayIGiveUp में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये चैनल मैंने नौकरी से आजादी में आपकी मदद और आप फिनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए इसीलिए बनाया है, तो आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं इस चैनल पर ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करता हूं और उन्हें कैसे आसान तरीके से किया जाए और उनमें क्या सीक्रेट्स होते हैं इस बारे में भी बताता हूं। आगे आने वाले कई वीडियोस में आप कई ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानेंगे। अब आप लेखक हो या जॉब कर रहे हो, टाइपिंग तो आप अक्सर करते ही होंगे। तो जब आप टाइप करते हैं तो कभी तो आपने सोचा होगा कि कैसे आप अपने आर्टिकल्स या अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लें। अब अगर आप टच टाइपिंग से वाकिफ हैं और एक्सपर्ट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप मेरे जैसे राइटर्स हैं जिन्हें लिखने के लिए हर समय कीबोर्ड की कीज पर ही आंखें रखनी पड़ती हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। इंटरनेट पर रिसर्च करके मैंने पाया कि लोगों की एवरेज टाइपिंग स्पीड लगभग 41 शब्द पर मिनट की होती है। मतलब अगर आपको 1000 शब्द का आर्टिकल लिखना है और आप लगातार लिखते हैं बिना रुके बिना सांस लिए तो आपको लगभग 25 मिनट लगेंगे। और अगर आप बीच बीच में सांस भी ले लेते हैं और आप रिसर्च वगैरह करके लिखते हैं तो आपको एक आर्टिकल लिखने में लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। बाकी सबकी अपनी इंडिविजुअल स्पीड है। अब सबसे पहले आप अपनी टाइपिंग स्पीड चेक करना चाहेंगे तो एक वेबसाइट बता रहा हूं मैं आपको, आप उसमें एक फ्री का टेस्ट लेकर अपनी टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ratatype.com। इस वेबसाइट पर आप टाइपिंग टेस्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर यहां पर टेक अ टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक कीजिए और बस हो जाइए शुरू। मैं एक लाइव टेस्ट लेकर आपको दिखाता हूं कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है। ध्यान रहे, कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी पंक्चुएशन आपको वैसे ही वैसे टाइप करना है। मैंने अपने टेस्ट की स्पीड इंक्रीज कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इतना ज़्यादा तेज लिखता हूँ, इसीलिए करिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे राइट साइड में एक काउंटर आपको आपकी करेंट वर्ड्स पर मिनट में स्पीड दिखाता रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरे राइटिंग टेस्ट के नतीजे आपके सामने, 57 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी है 98.5%। ऐसे ही आप अपनी राइटिंग स्पीड का टेस्ट भी इस वेबसाइट पर दीजिए और मैं एक्साइटेड हूं आपके रिजल्ट्स देखने के लिए। टेस्ट लीजिए और अपने रिजल्ट्स नीचे कमेंट्स में बताइए मुझे। राइटिंग स्पीड इंप्रूव करने के कई तरीके आप ऑनलाइन सर्च करके ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ASDF और JKL सेमीकॉलन कीज पर अपनी उंगली रखकर कैसे आप टच टाइपिंग कर सकते हैं बिना कीबोर्ड की तरफ देखे। आपको टाइप करना है जो आप लिखना चाह रहे हैं, उसमें आगे ही 1 या 2 शब्द पहले ही नजर मार लीजिए, कौन सी कीज किस उंगली से दबानी है वो सब आप सीखें वगैरह। मगर अब चूंकि हम बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं, फिर भी अगर हम यही सब तरीके यूज करेंगे तो मजा नहीं आएगा, हम कुछ अलग स्मार्ट तरीके से करेंगे। आज के इस एडवांस जमाने में चाहे आप हिंदी में कोई आर्टिकल लिखें या इंग्लिश में, आपको वर्ड खोलकर उसमें टाइपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट खोलिए speechtyping.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। इस वेबसाइट को आपको गूगल क्रोम में ही खोलना है। इसमें आप सीधे बोलकर लिख सकते हैं, आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। आप इस वेबसाइट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कई और रीजनल भाषाओं में बोलकर लिख सकते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और बंगला। हिंदी में बोलकर टाइपिंग करने के लिए आप वॉइस टू टेक्स्ट हिंदी लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधे इस माइक आइकन को दबाइए और बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए,
जो आप बोलेंगे वो ये साइड लिखती चले जाएगी। इंग्लिश में बोलकर टाइपिंग करने के लिए आप यहां वॉइस टू टेक्स्ट इंग्लिश लिंक खोलिए, माइक आइकन पर क्लिक कीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए और बाकी काम इस वेबसाइट पर छोड़ दीजिए। बाद में आप अपना लिखा हुआ कॉपी कीजिए और वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल या जिस भी जगह आपको लिखना है वहां पेस्ट कर दीजिए। और इसके लिए आपको कोई स्पेशल माइक जैसे कि कॉलर माइक है नहीं चाहिए। मैं अपने लैपटॉप का इनबिल्ट डिफॉल्ट माइक ही यूज करता हूं, और आपका लैपटॉप कितना भी पुराना क्यों ना हो माइक उसके अंदर जरूर होगा। अगर आपके लैपटॉप में माइक नहीं भी है तो आप कोई भी सस्ता सा माइक वाले हेडफोन या लैपटॉप के लिए स्पेशल माइक खरीद लीजिए। यह अमेजोन पर देखिए कुछ सस्ते हेडफोन और माइक। ये तरीका यूज करके आप कम समय में ज्यादा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये साइड आप ज्यादातर तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास आइडियाज फ्लो में आते हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तब भी आप ये साइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल पूरा लिखने के बाद एक बार रिवाइज तो करेंगे ही, एडिटिंग बोलते हैं जिससे, तब अपनी गलतियां सुधार लीजिएगा। आइए हम देखते हैं मेरी राइटिंग की स्पीड इस स्मार्ट मेथड से कितनी इंक्रीज हुई। मुझे धीमे धीमे हिंदी और इंग्लिश में बोलने में 3 सेकंड लगे, जिसमें 6 शब्द इस साइड ने लिखे, 120 वर्ड्स पर मिनट। मतलब अगर हम एवरेज टाइपिंग स्पीड 42 वर्ड्स पर मिनट की पकड़े तो इस साइड का यूज करके आप अपने लेखन की स्पीड को लगभग 3 गुना कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट बनाए या फिर किसी क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखे, इस वेबसाइट का यूज करके अपने काम को 3 गुना तेजी से पूरा कर लेंगे। और हो सकता है आपका क्लाइंट जल्दी डिलीवर किए हुए काम से खुश होकर आपको कुछ टिप या और ज्यादा काम दे दे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी कुछ काम की लगी होगी, और आप मेरी मदद करेंगे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके, और अपने विचारों और टाइपिंग टेस्ट के नतीजों से मुझे अवगत कराएंगे नीचे कमेंट्स करके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।